हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति गणराज और आप सभी की डिमांड पे आ गया है पार्टी वाला अपडेट। फिलहाल ये फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रोग्रेस में है। ऊपर के मेट्रो रूट जो है वो चालू हो चुका है। अगर आप अब तक नहीं गए हो तो जा सकते हो आप। नागपुर का सबसे ह्यूज कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। नागपुर सिटी की बात करें तो नागपुर में ऐसे तो बहुत सारे फ्लाईओवर आपको देखने मिलेंगे और कुछ तो वर्किंग प्रोग्रेस में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट उन सभी में ये फ्लाईओवर सबसे ज़्यादा डिमांड पे था। बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हुई। कभी तो फ्लाईओवर्स की बनी बनाई जो सेटअप था वो गिर भी चुका है बहुत सारे ऐसे हादसों के बाद। अब जाके ये फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन होने वाला है। हाँ, आपने सही सुना, बहुत ही जल्द में से एक फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन होने वाला है। हालांकि मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे एक नहीं, टोटल 5 फ्लाईओवर्स है। उनमें से एक फ्लाईओवर का रिसेंटली यहाँ पे आपको इनॉग्रेशन देखने मिलेगा। मे बी एक दो दिन में ही हो सकता है, वो फिलहाल तो न्यूज़ में आया है, बट देखते हैं वो कब होता है और वो कौन सा फ्लाईओवर है जिसका इनॉग्रेशन होने वाला है। ये भी आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, आई नो, बट रुको, ज़रा सब्र करो। तो चलते हैं, पहले पूरा प्रेमाइसेस घूम लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे न्यू चेंजेस हुए हैं और फिर मैं आपको बता दी हूँ कि कौन से फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन आपको रिसेंटली यहाँ देखने मिलेगा। इस रेलवे रूट के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ और हाँ, अपकमिंग वीडियोस जो आएंगे उसमें पूरा डिटेल में मैं आपको इस रेलवे रूट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगी। फिलहाल यहाँ से आगे चलते हैं हम और ये एरिया है प्रजापति नगर मेट्रो स्टेशन का। तो रिसेंटली साइड में देखो जो फ्लाईओवर आपको नजर आ रहा है, ये भी न्यू चेंजेस है जो कि आपने लास्ट वीडियो में नहीं देखे होंगे। आज यहाँ से वे जो है वो ओपन है प्रजापति नगर मेट्रो स्टेशन की बिल्डिंग के नीचे से, बहुत ही क्लियर कर दिया है। आपको यहाँ से जाना है और उस साइड से आना है और एक एक पोर्शन करते करते धीरे धीरे पूरा एरिया जो है वो अच्छा खासा डेवलप हो रहा है, ये नजर आ रहा है। अगर आपको कुछ नए चेंजेस लग रहे तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ। इस वे से अगर आप जाते हो तो ये आपको वर्धमान नगर ले जाता है और इतवारा भी ले जाता है। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा टर्न लेते हैं। नाउ ये फ्लावर आपको कलमना साइड लेके जाता है। हम जाएंगे अभी फिलहाल पार्डी साइड और पार्डी का फ्लावर ठीक आपके सामने है जो कि भंडारा रोड को भी कनेक्ट करेगा। इस फ्लावर पे कोई चेंजेस नहीं है, ये जितना कंप्लीट था इसके पहले उतना ही है कि अभी पूरा फोकस जो है वो नए फ्लावर पे किया जा रहा है जिसका रिसेंटली इनॉग्रेशन होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे टोटल 5 फ्लावर का कंस्ट्रक्शन चालू है, उसमें से एक फ्लावर का रिसेंटली आपको इनॉग्रेशन देखने मिल सकता है। मे बी 31 अगस्त को चांसेस है होने के। ये एचपी टाउन का एरिया है, साइड में आप एचपी टाउन देख सकते हो। यहाँ पे जॉइंट है इन 5 फ्लाईओवर्स का, एक जाता है पार्डी साइड, दूसरा जाता है वर्धमान नगर साइड, तीसरा जाता है कलमना, फोर्थ जहाँ से हम आए थे गांधीबाग साइड से, उसी के साइड में आपको एक और फ्लाईओवर देखने को मिलेगा जो कि साइमल्टेनियसली कनेक्ट होगा वाठोड़ा साइड पे। अब इन सारे फ्लाईओवर्स में से वो कौन सा फ्लाईओवर है जिसका इनॉग्रेशन आपको बहुत ही जल्द देखने मिलेगा, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ और नहीं तो मैं तो हुई आपको बताने के लिए। और आप भी बहुत समझदार हो, समझ ही गए होगे मैं इतना अच्छे से जो दिखा रही हूँ आपको, मेरे सामने वाला फ्लाईओवर यही है वो जिसका इनॉग्रेशन होने वाला है। अब क्या क्या चेंजेस आपको इसमें देखने मिलेंगे वो पहले बता दूं। ये फ्लाईओवर टोटल कंप्लीट हो चुका है जो कि आप वर्धमान नगर फ्लाईओवर भी बोल सकते हो, उस साइड पे कनेक्ट होता है। दूसरी बात, इस फ्लाईओवर पे लाइट्स जो है वो भी लग गए हैं, जो बीच बीच में गैप्स थी उसे भी फिल किया गया है। इवन दो जो इसका सरफेस था उसे भी रेडी कर रहे हैं। इस यूज से कंस्ट्रक्शन का ये फर्स्ट फ्लाईओवर है जिसका रिसेंटली इनॉग्रेशन होने जा रहा है। इसके जस्ट नीचे में आप अंडरपास देख सकते हो, एक नहीं दो अंडरपासेस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, उसका भी अपडेट मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है तो आप वहाँ से चेक कीजिए।
वर्धमान नगर अंडरपासेस के नाम से आपको वीडियो लिंक मिल जाएंगी और उसी के ऊपर में आपको ये फ्लावर देखने को मिलेगा कि लैंडिंग सीधी वर्धमान नगर पे होती है। रेलवे रूट देख के आप समझ ही गए होंगे, जो प्रजापति नगर के पहले आपको रेलवे रूट क्रॉस हुई थी वही यहाँ से भी गुजर रही है। दो तीन साल के लंबे इंतजार के बाद में ये फ्लावर कंप्लीट है हमारे सामने और साइड में आप देखो इसकी रेलिंग भी लग गई है। इसी के साथ साथ इस फ्लावर पे लाइट्स भी लग गई है, सो आप नाइट पे भी यहाँ से आराम से ट्रेवल कर पाओगे। फ्लावर टोटली कंप्लीट है। ऊपर के फ्लावर्स बनाने के चक्कर में नीचे का रोड हमेशा ही खराब हो जाता है। जानबूझ के तो नहीं करते है, वो तो हो ही जाता है कंस्ट्रक्शन के चलते, बट हाँ उसे तो मेंटेन करना चाहिए ना। आपकी क्या राय है इसमें मुझे कॉमेंट्स में बताओ। और ये पूरी लैंडिंग है इस फ्लावर की। अब आप समझ ही गए होगे कि हाँ यही फ्लावर है वो जिसका रिसेंटली आपको इनॉग्रेशन देखने मिलेगा। नागपुरियंस कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में बताओ। अच्छा लगे तो लाइक करके जाओ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। नागपुर की अपडेट्स आपको इस चैनल पे कवर होगी। सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो।